चंद्रशेखर अवस्थी जी, सबसे पहले तो इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया और फिर स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी बताइएगा। जीरज जी, देखिए समस्या क्या है, जब सीबीआई की रेड होती है तो कहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री सुबह 5 बजे उठते और इनकी फोटो निकली है न्यूयॉर्क टाइम में, प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे। सीबीआई ने बहुत क्लियरिटी में कहा है कि आबकारी नीति में जितेंद्र कुमार जी का कुछ भी लेना देना नहीं है, और यह भी तो चोरी के आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कभी एलजी के ऊपर चले जाते हैं तो कभी किसी को कहते हैं कि हमारी पार्टी को गिराया जा रहा है, चार चार पांच पांच दिन का ड्रामा करते हैं विधानसभा चलाने का, और फिर भी दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि ये 60 करोड़ या 150 करोड़ या 500 करोड़ की जो बात हो रही है, आपको जो 330 रुपए दिल्ली को मिलता था वो 8 रुपए 33 पैसे क्यों मिला, इसका भी जवाब पूछा। तो पिछले 15 दिनों में 20 दिनों में इतनी डिबेट कर ली, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, पर एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया कि क्या कारण था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लेकर और इतनी दुनिया भर के लोगों को लेकर ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई। तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे और प्रश्नों का जवाब उनको देना है, जहां तक सीबीआई के प्रश्नों का जवाब है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, आज देखिए किसी भी चैनल पे उनका कोई भी प्रवक्ता नहीं है, वो भागे हुए। मैं लगातार 8 डिबेट्स कर चुका हूं और 8 डिबेट में दिल्ली और भारत की बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स की एजेंसीज में एक बार भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता इस विषय पर नहीं आया। तो क्या ये पूछना नहीं चाहिए कि इतने कट्टर ईमानदार हो तो डर किस बात का है, जवाब दो। जवाब नहीं देंगे, उनके पास भी यदि इस तरीके के बहुत सारे झूठे हैं तो आपको कहना चाहिए ये झूठ है, ये कुलविंदर सिंह के फादर नहीं है, हम जानते नहीं है, कुछ जवाब नहीं दिया। इसलिए मेरे को लगता है कि मेरा पहला जवाब यही है कि ये एक नंबर के झूठे हैं, चोरी पकड़ी गई है, आरोप लगे हैं, इसका जवाब देना चाहिए। आरोप लगे